हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर आ गए हैं आपके साथ। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, दिन के 1:30 बज चुके हैं और आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ट्रैफिक इंजीनियरिंग को खत्म करेंगे, समअप करेंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसमें। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, कुछ नई इंफॉर्मेशन देंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, विनोद यादव, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून विनोद सर, आपकी सारी क्लास लिए ट्रैफिक की मजा आ गया सर। विनोद यादव सर, क्लास होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी सर। विनोद विनोद क्लास होगी, क्लास बहुत अच्छी होगी और आप सब बस बने रहिए क्लास में। ठीक है विनोद, चलिए तो आइए देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग को कवर करने की कोशिश की थी और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज की सीरीज में हम उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और क्लास आपकी लंबी जा सकती है क्योंकि आज हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग को समाप्त करना है। आज हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म करेंगे, फिर उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट डिजाइन, जैसा कि मैंने कल बोला था आपसे, इजेंट इट? तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़िए। ठीक है, दो चार नए टॉपिक्स बचे हैं, उनको क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया जाएगा, क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको पिक्टोरियल फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आज हम इसको समाप्त करेंगे। चलिए आइए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो, कल सॉरी हमारा क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? द साइन पोस्ट शुड बी पेंटेड इन, साइन पोस्ट को किस प्रकार चित्रित किया जाना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर अल्टरनेटिवली इन ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स, 70 सेंटीमीटर व्हाइट एंड ग्रीन बैंड्स, 50 सेंटीमीटर ब्लैक एंड येलो बैंड्स एंड 10 सेंटीमीटर येलो एंड ब्लैक बैंड्स। ठीक है, तो अगर साइन पोस्ट की बात आती है दोस्तों, अगर साइन पोस्ट की बात आएगी तो किस तरीके के बैंड का यूज किया जाएगा? आपका यूज किया जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट बैंड। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बैंड का यूज किया जाएगा अगर साइन पोस्ट की बात आती है तो। ठीक है, और उनमें गैप कितना रखा जाएगा? उनमें गैप रखा जाएगा 25 सेंटीमीटर का, इजेंट इट? उनमें गैप रखा जाएगा 25 सेंटीमीटर का। विनोद यादव, सिविल वर्ड टीसीएस तो कुछ और ही पूछता है जो कोई नहीं पढ़ाता है। ये कहीं ना कहीं सिविल वर्ड ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। बलबीर सिंह यादव, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बलबीर यादव। ठीक है, कोई भी आप अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पहले के पूछे हुए हैं वो हमारे माइंड में डिस्कस किए हुए रहना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं मोस्टली आप एसएससी का पेपर उठा के देखोगे प्री का, आपको 60 से 65% क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मिलेंगे किसी न किसी जेई के एग्जाम में आए हुए। ऐसा नहीं है कि वो 10% से ज्यादा कोई नए क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, न हो तो आप अभी तक का इतिहास उठा के देख लो एसएससी का। तो बशर्ते किसी चीज में कमी निकालने की तुलना में आपको जो चीज आप पीवाईक्यूज ही है, आप वो एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करके रिवाइज कर सकते हो तो उससे आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर पीवाईक्यूज आएंगे, बहुत बच्चे पीवाईक्यूज भी सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे डाटा को माइंड में रखना ही खुद हमारे लिए एक टास्क होता है। ठीक है, तो आप अगर पीवाईक्यूज ही लगा रहे हो तो उस पे अच्छे से कमांड कर लो अपनी, उसको एक बार दो बार चार बार लगाओ। ठीक है, तब भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, प्री के लिहाज से बता रहा हूँ, मेंस के लिए नहीं। मेंस की तो इस बार सारी स्ट्रेटेजी ही चेंज है एसएससी की। तो देखो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ब्लैक और व्हाइट कलर का बैंड होता है और जो कि अल्टरनेटिवली ये जो है 25 सेंटीमीटर के गैप पे होता है। ब्लैक और व्हाइट कलर का बैंड होता है
और अल्टरनेटिवली 25 सेंटीमीटर के गैप पे होता है। ठीक है, तेज बहादुर केसरी, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून तेज बहादुर, बलवीर, विनोद, सबको गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। अब फटाफट अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, मैं कमेंट कमेंट लेता रहूंगा बीच बीच में आपके। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दैट अ रोटरी कैन इफिशियंसी हैंडल इज, ठीक है, रोटरी ये वाला क्वेश्चन मैं करा दिया था शायद लास्ट क्लास में, तो रोटरी कितना मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम को रिटेन कर सकता है, वो आपका है 3000 व्हीकल पर आवर। ठीक है, 3000 व्हीकल पर आवर। रोटरी के बारे में मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी, रेडियस ऑफ एंट्री कितना हो जाता है, रेडियस एट एंट्री बी स्क्वायर डिवाइड में 127 f, रेडियस एग्जिट पे, एग्जिट पे क्या आ जाएगा 1.5 to 2 टाइम्स रेडियस एट एंट्री। रोटरी के बारे में बता रहा हूं आपको दोस्त, रेडियस ऑफ सेंट्रल आयरलैंड, रेडियस ऑफ सेंट्रल आयरलैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4/3 रेडियस एट एंट्री। ठीक है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1.33 इंटू रेडियस एट एंट्री। ठीक है, ये तो रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने रोटरी के लिए, और मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में बताया था, मिनिमम ट्रैफिक वॉल्यूम रोटरी पे कितना है 500 व्हीकल पर आवर, और मैक्सिमम 3000 व्हीकल पर आवर। ठीक है, मिनिमम आपका 500 हो गया, मैक्सिमम आपका 3000 हो गया, ये मैंने रोटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी आपको। इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ। ठीक है, चलिए और रोटरी के बारे में क्या कर सकते हैं, रोटरी के बारे में और क्या समझ सकते हैं, अब जो समझेंगे आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखो। कंपलसरी डायरेक्शन, डायरेक्शन कंट्रोल साइन, ठीक है, कंपलसरी डायरेक्शनल कंट्रोल, कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइंस आर अनिवार्य दिशा नियंत्रण संकेत हैं, तो अनिवार्य दिशा नियंत्रण कंपलसरी डायरेक्शन साइन आपके कैसे होते हैं, वो आपके इस तरीके से हो जाते हैं, वो आपके हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे मैंने बता दिया, यहां पे मैंने बना दिया है, यहां पे मैंने इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक है, थोड़ा चौड़ा कर दूं इसको, चलो ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया ब्लू से, इसको मैंने कर दिया ब्लू से फिल, इससे इसको मैंने कर दिया ब्लू से फिल, इस टाइप का जो आपका होता है ये हो जाता है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन, इजंट इट? तो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, सर्कुलर इन शेप विथ अ येलो बैकग्राउंड, नहीं येलो बैकग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलर इन शेप विथ अ ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड में नहीं होता है। सर्कुलर इन शेप विथ अ ब्लू बैकग्राउंड, हाँ ब्लू बैकग्राउंड होता है एंड ए वाइट डायरेक्शन एरो, हाँ वाइट डायरेक्शन एरो के साथ होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इजंट इट? चलिए ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया हमने। चौथा ऑप्शन क्या था, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर तो होता ही नहीं है, चलो ये भी आपका गलत हो गया, तो आपका हो गया तीसरा ऑप्शन सही निकल के आ गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ गया आपका निकल के सही। तेज बहादुर केसरी, विनोद यादव सर आपकी क्लास लेने के बाद SSC JEE SC के मैक्सिमम क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अच्छा विनोद, बहुत अच्छी बात है, हाँ मैक्सिमम 3000 व्हीकल पर आवर, मैक्सिमम मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर। ब्रॉक लेसनर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको करिए। चलिए, तो यहां आपको पता चल गया कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, डेड स्लो इज अ, डेड स्लो क्या है, कौन सा साइन है, डेड स्लो कौन सा साइन है, एक रेगुलेटरी साइन, एक वार्निंग साइन, एक इंफॉर्मेटरी साइन, एक नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डेड स्लो कौन सा साइन है? डेड स्लो का मतलब क्या है? कि धीरे चलना है, काफी धीरे चलना है, नहीं तो आगे जिंदगी का मौत से सामना हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटरी साइन है ये, डेड स्लो एक रेगुलेटरी साइन है, इसी को हम बोल देंगे ये एक मैंडेटरी साइन भी है। ठीक है, इसी को क्या बोल देंगे, ये एक मैंडेटरी साइन भी है। ये एक मैंडेटरी साइन भी है। ठीक है, जो मैंने आपको साइन का बताया था, देखते हैं उसमें डेड स्लो है कि नहीं। आइए देख लेते हैं उसमें डेड स्लो कहां दिया हुआ है। जब मैं आपको साइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था तो देखो इसमें डेड स्लो दिया हुआ है क्या? स्टॉप रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन, स्टॉप गिव वे, स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, वन वे साइन एंड नो पार्किंग, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यू टर्न, एक्सल लोड, रिस्ट्रिक्शन साइन, कंपलसरी टर्न लेफ्ट, कंपलसरी गो अहेड, कंपलसरी राइट। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है डेड स्लो का। ठीक है, लेकिन डेड स्लो आपका कौन सा साइन है? डेड स्लो है आपका रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन। ठीक है, ब्रॉक लेसनर रेगुलेटरी, हाँ बिल्कुल सही बात है विनोद यादव, ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं होगा भाई, ए होगा। अच्छा पहले का बता रहे हो सी, चलो ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रॉक लेसनर रेगुलेटरी। मोहम्मद आदिल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोहम्मद आदिल। चलो क्लास में आज सबको बने रहना है, क्लास में आज सबको बने रहना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म करेंगे आज। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म करेंगे। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल कैन बी पार्क्ड विथ, देखो ये बताया जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बता चुका हूं ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल किस कंडीशन में हम पार्क करते हैं, वो आपका करते हैं 90 डिग्री पार्किंग के केस में। 90 डिग्री पार्किंग के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल को हम पार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या देखना चाहते हो इसकी फोटो? तो देख लो फोटो इसकी कैसे होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल को पार्क करने के लिए जो फोटो का यूज हम करेंगे वो है ये। जब ये टाइप ऑफ पार्किंग मैं बता रहा था आपको, देखो ये 30 डिग्री पार्किंग है, बता चुका हूं ये 30 डिग्री पार्किंग है, ये 45 डिग्री पार्किंग है, ठीक है, ये 60 डिग्री पार्किंग है, ये आपका आ जाता है 90 डिग्री पार्किंग। इसका मतलब आपका पेवमेंट इस तरीके से जा रहा है इधर, ठीक है, और इस पेवमेंट में जो कर्व लगा हुआ है, तो जो कर्व है उससे पर उसके परपेंडिकुलर पे अगर हम व्हीकल को पार्क करें तो कम स्पेस पे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल पार्क हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क हो जाएंगे आपका 90 डिग्री पार्किंग के केस में, इजंट इट? 90 डिग्री पार्किंग के केस में मोहम्मद आदिल कह रहे हैं मिनिमम विड्थ के लिए पैरेलल, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखो यहां पे दिया हुआ है ना, ये पैरेलल, देखो पैरेलल पार्किंग दिया हुआ है यहाँ पे, कि अगर हमारे पास रोड के बगल में विड्थ मिनिमम है, विड्थ मिनिमम अवेलेबल है, तब उसके लिए हम पैरेलल पार्किंग का प्रिफर करेंगे। ये रोड आपका बना हुआ है ऐसे सीधे, इसके पैरेलल में हमने व्हीकल को पार्क कर दिया है, पैरेलल में व्हीकल को पार्क कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इससे तो तुम्हें, इससे भी तुम्हें क्वेश्चन दिख गया है, इससे भी क्वेश्चन तुम्हें दिख गया है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा प्रीवियस ईयर में 45 डिग्री से। चलिए आगे चलें। तो ये तो तुम्हारा हो गया 90 डिग्री पार्किंग। ठीक है, पैरेलल पार्किंग, पैरेलल पार्किंग का यूज कहाँ कर लेंगे? पैरेलल पार्किंग का यूज कर लेंगे व्हेन मिनिमम विड्थ अवेलेबल, व्हेन मिनिमम विड्थ अवेलेबल फॉर पार्किंग।
ठीक है, कोई दिक्कत? विनोद, बेस्ट पार्किंग 45, ओके। तो तीन चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। 90 डिग्री कब पार्किंग का कब यूज करेंगे? जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल को एडजस्ट करना होगा तब हम 90 डिग्री पार्किंग का यूज कर लेंगे। पैरेलल पार्किंग का यूज कब करोगे? जब तुम्हारे पास मिनिमम विड्थ अवेलेबल है पार्किंग के लिए, उस कंडीशन में आप यूज करेंगे पैरेलल पार्किंग का, ठीक है। और 45 डिग्री पार्किंग, जैसा कि ब्रॉक लेसनर ने बताया, विनोद यादव, बेस्ट पार्किंग 45 डिग्री। विनोद यादव, सर पीडीएफ एक भी नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे देख लो, द फैटल हेड ऑन एक्सीडेंट जनरली ऑन मोस्टली अकर्स एट, आमतौर पर या अधिकतर घातक सामने आमने की दुर्घटनाएं कब होती हैं? रोड के किस कंडीशन पे, फोर लेन डिवाइडेड हाईवे पे, या अनसिग्नलाइज्ड रोड इंटरसेक्शन पे, या अर्बन रोड इन पीक आवर्स पे, या अनडिवाइडेड हाईवे पे, किस कंडीशन में हेड ऑन कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? ठीक है, किस कंडीशन में हेड ऑन कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? जवाब दो, हेड ऑन कोलिजन की पॉसिबिलिटी किस? चार लेन डिवाइडेड हाईवे, अगर आपके पास फोर लेन है लेकिन डिवाइडेड हाईवे है, क्या उस कंडीशन में हेड ऑन कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी? या अनसिग्नलाइज्ड रोड इंटरसेक्शन पे, बिना सिग्नल वाले सड़क पे या चौराहे पे इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी? या अर्बन रोड इन पीक आवर, या अर्बन रोड में व्यस्त समय पे, या अनडिवाइडेड हाईवे, या तो ऐसा ऐसा हाईवे जो कि डिवाइडेड नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ब्रॉक लेसनर, डी डी डी, बिल्कुल सही बात है, ब्रॉक लेसनर इज राइट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ओके, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनडिवाइडेड हाईवे अगर आपका है, अगर हाईवे हाईवे को डिवाइड नहीं किया गया है, तब हेड ऑन कोलिजन की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? द नॉर्मल फ्लो ऑन द टू अप्रोच रोड एट एन इंटरसेक्शन आर रिस्पेक्टिवली 500 पीसीयू पर आवर एंड 300 पीसीयू पर आवर, 500 पीसीयू पर आवर एंड 300 पीसीयू पर आवर, ठीक है। द करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन फ्लो, सेचुरेशन फ्लो की वैल्यू दे रखी है 1600 पीसीयू पर आवर ऑन ईच रोड। द टोटल लॉस्ट टाइम पर सिंगल साइकिल 16 सेकंड दे रखा है। द ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय वेबस्टर मेथड, तो मैंने कल आपको वेबस्टर मेथड के बारे में बताया था, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक था वेबस्टर मेथड ही। मैंने आपको क्या क्या बताया था कल वेबस्टर मेथड के बारे में? पहली चीज मैंने बताई थी कि वेबस्टर मेथड किस लिए यूज होता है, तो आपने बोला था कि सर डिजाइन ऑफ सिग्नल के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने पूछा था कि वेबस्टर मेथड के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, तो आपने बोला था कि सर वेबस्टर मेथड के माध्यम से हम ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकालते हैं इन सेकेंड्स में, ठीक है, साइकिल टाइम निकालते हैं इन सेकेंड में, ये भी सही बात है। फिर मैंने बताया, पूछा था कि वेबस्टर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बताया था कि सर सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस फाइव अपॉन में 1 माइनस वाई, जहां पे कैपिटल एल क्या होता है, वो आपका लॉस्ट टाइम होता है, कैपिटल वाई क्या होता है, वो आपका सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता है। फिर मैंने पूछा था, अच्छा क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या होता है, तो आपने बताया था कि सर ये रेशियो होता है नॉर्मल फ्लो का और सेचुरेशन फ्लो का, इसका जो रेशियो होता है उसको हम क्रिटिकल फ्लो रेशियो बोल देते हैं, और जब उस सारे क्रिटिकल फ्लो रेशियो को हम जोड़ देंगे तब वो आपका कैपिटल वाई के बराबर हो जाता है, सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था, क्या हम इससे ग्रीन टाइम भी निकाल सकते हैं, तो आपने बोला था हाँ सर ग्रीन टाइम भी हम निकाल सकते हैं, और ग्रीन टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया था, स्मॉल वाई वन अपॉन में कैपिटल वाई ब्रैकेट में सी नॉट माइनस एल, ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस टोटल लॉस टाइम, इस तरीके से हम ग्रीन टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आपके माइंड में ओवरऑल वेबस्टर मेथड के बारे में, इजेंट इट। तो देखो क्वेश्चन यहां पे तुमसे पूछ लिया है, तेज बहादुर ने आंसर भी दे दिया 58 सेकेंड। चलो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस y, ठीक है, जहां पे ये आपका क्या है, ये आपका है टोटल लॉस टाइम,
और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई आपका है सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, क्रिटिकल फ्लो रेशियो का समेशन होता है ये। तो इसको हम क्या बोल देंगे अभी के लिए, कि दो फेज सिस्टम है, वाई वन प्लस वाई टू बोल देंगे। और वाई वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू वन बाई एस प्लस ये आपका हो जाएगा क्यू टू बाई एस। इसको और सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, क्यू वन की वैल्यू कितनी है 500, सेचुरेशन फ्लो कितना है 1600, ठीक है, और क्यू टू की वैल्यू कितनी है 300 PCU पर आवर, सेचुरेशन फ्लो कितना है 1600 PCU पर आवर। तो कितना हो गया तुम्हारा 0.5 आ गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए ऑप्टिमम साइकिल टाइम में, तो क्या आ जाएगा, जब ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकालोगे तो सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 इंटू लॉस्ट टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, लॉस्ट टाइम की वैल्यू दे रखी है 16, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आएगा कितना आ गया, सिक्सटीन इंटू 1.5 कितना हो गया 24, 24 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये 29 इंटू 2, इसका मतलब कितना 58, ये आपका आ जाएगा 58 सेकेंड, 58 सेकेंड आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑप्टिमम साइकिल टाइम की, ठीक है ब्रॉक लेसनर, 58 सेकेंड, 58 सेकेंड आपकी आ जाएगी वैल्यू किसकी, 58 सेकेंड आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑप्टिमम साइकिल टाइम की। आ गई सबकी, आ गई सबकी, ऑप्टिमम साइकिल टाइम की वैल्यू आ जाएगी 58 सेकेंड, आ गई सबकी। चलिए चलें आगे, थम्सअप करो आगे बढ़े फटाफट, थम्सअप करो आगे बढ़े, काफी क्वेश्चन करने हैं अभी। अश्विन मांडे, गुड गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अश्विन। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अश्विन, चलिए आगे चलिए। देखो अब बढ़िया, डायरेक्ट तुमसे फॉर्मूला ही पूछ लिया है, ठीक है। ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल इन वेबस्टर मेथड इज गिवन बाय सी नॉट, ऑप्टिमम सिग्नल टाइम वेबस्टर मेथड में सी नॉट से दिया जाता है, तो सी नॉट का वो क्या होता है, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 इंटू लॉस्ट टाइम प्लस 5 अपॉन में 1 माइनस सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विनोद यादव पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, विनोद यादव हो जाएगा पीडीएफ प्रोवाइड, हो जाएगा पीडीएफ प्रोवाइड, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पीडीएफ शॉर्ट नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं भी सोशल मीडिया पे ड्रॉप कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ के ईडी के प्लेटफॉर्म के ग्रुप पे भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अभिषेक कुमार पांडे आप डाल के सर्च करना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इन विच टाइप ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम डू सिग्नल्स अलोंग अ गिवन रोड शोज द सेम इंडिकेशन, ठीक है, अब बता दो कौन सा सिस्टम है ये जिसमें सेम इंडिकेशन ग्रीन रेड एट द सेम टाइम पे सेम इंडिकेशन शो होता है। एसएससी जख्मी, एसएससी जख्मी बड़ा बेहतरीन नाम है भाई इसका, ब्रॉक लेसनर, ओके सर, सी सी विनोद यादव बिल्कुल परेशान मत हो यार, मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम में सबको खोजना किसी को मुश्किल नहीं, सोशल मीडिया पर सर्च करके मैसेज डाल दो सब मिल जाएगा तुम्हें। चलो तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें सेम टाइम पे सेम इंडिकेशन होता है, बता दो, सिंपल प्रोग्रेसिव, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव, साइमल्टेनियस एंड अल्टरनेटिव, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ब्रॉकलेसर, आंसर बताओ, सी बिल्कुल सही बात है, साइमल्टेनियस सिस्टम, ये आपका हो जाएगा साइमल्टेनियस सिस्टम। और सब ब्रॉक लेसनर अभी एक जवाब और दो तुम, ब्रॉक लेसनर एक जवाब और दो, ये बताओ कि इसमें से मोस्ट इफिशियंट कौन सा होता है, सबसे
सबसे ज्यादा मोस्ट इफिशियंट कौन सा हो जाता है? मोस्ट इफिशियंट सिग्नल सिस्टम कौन सा हो जाता है? ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर बताओ मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल कौन सा हो जाता है? इसमें मोस्ट इफिशियंट आपका हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ये आपका निकल के आता है मोस्ट इफिशियंट, ठीक है, ये निकल के आता है मोस्ट इफिशियंट, ये निकल के आता है मोस्ट इफिशियंट। और क्यों होता है मोस्ट इफिशियंट? ये होता है मोस्ट इफिशियंट इस वजह से कि इसमें साइकिल लेंथ जो होता है, साइकिल लेंथ ऑटोमेटिकली वेरी होता है। इसमें जो साइकिल लेंथ होता है वो ऑटोमेटिकली वेरी किया जा सकता है, इसलिए जो फ्लेक्सिबल सिग्नल सिस्टम होता है प्रोग्रेसिव, ये मोस्ट इफिशियंट सिग्नल सिस्टम होता है, इजंट इट। बाकी अगर ये इस क्वेश्चन में क्या है, अगर सेम टाइम पे सेम इंडिकेशन हो रहा है तब आपका साइमल्टेनियस सिस्टम है। और फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम कब है? फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम है आपका मोस्ट मोस्ट इफिशियंट, ठीक है, कहा मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ये देखो। साइमल्टेनियस में क्या था? साइमल्टेनियस में क्या है? सेम इंडिकेशन देख लो भाई, साइमल्टेनियस में क्या है? सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम। केवल कीवर्ड पकड़ के रखना है आपको, बिल्कुल। ब्रॉक लेसनर ऑटोमेटिकली वेरी द लेंथ ऑफ द साइकिल, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्रॉक लेसनर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये देखो, एज द डिवीजन ऑफ द साइकिल इज आल्सो द सेम, तो ये आपका हो गया साइमल्टेनियस सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम का देख लो, इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली वेरी द लेंथ ऑफ साइकिल एंड साइकिल डिवीजन एंड द टाइम शेड्यूल्ड, ठीक है, ठीक है। और कैसा सिस्टम होता है आपका? ये मोस्ट इफिशियंट सिस्टम होता है। जो फ्लेक्सिबल सिस्टम सिग्नल सिस्टम होता है, ये आपका क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल सिस्टम सिग्नल सिस्टम होगा, ये आपका मोस्ट इफिशियंट सिग्नल सिस्टम होता है। अगला देखो, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। दिस सिस्टम इज जनरली कंसीडर्ड टू बी मोर सेटिस्फैक्टरी देन साइमल्टेनियस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम साइमल्टेनियस सिस्टम से तो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम से काफी कम सेटिस्फैक्टरी होता है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, मोर सेटिस्फैक्टरी देन साइमल्टेनियस सिस्टम, ठीक है। इन दिस द सिग्नल फेजेस कंट्रोलिंग गो इंडिकेशंस अलोंग दिस रोड इज शेड्यूल्ड टू वर्क एट द प्री डिटरमाइंड टाइम शेड्यूल, इजंट इट। चलिए अब देखिए अल्टरनेट सिस्टम के बारे में। इन दिस सिस्टम अल्टरनेट सिग्नल्स और ग्रुप ऑफ सिग्नल शो अपोजिट इंडिकेशन इन द रूट एट द सेम टाइम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाई ए सिंगल कंट्रोलर। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, सिंगल कंट्रोलर के माध्यम से कौन सा सिग्नल सिस्टम ऑपरेट होता है, ठीक है, अल्टरनेट, बट बाय रिवर्सिंग द रेड एंड ग्रीन इंडिकेटर कनेक्शन एट सक्सेसिवली सिस्टम। चलिए तो इससे जो तीन चार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसका आपको की पॉइंट याद रखना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम के बारे में, साइमल्टेनियस सिस्टम के बारे में, ठीक है, और अल्टरनेटिव सिस्टम के बारे में, इजंट इट। चलो, रेगुलेटरी साइंस आर जनरली सर्कुलर इन शेप, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी साइन विच डू नॉट सर्कुलर इन शेप। रेगुलेटरी साइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटरी साइन को हम बोल देते हैं मैंडेटरी साइन। नॉर्मली क्या होता है कि आपका रेगुलेटरी साइन सर्कल इन शेप होता है, ठीक है, सर्कुलर इन शेप होता है, लेकिन कुछ आपके साइन ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन के अंडर आते हैं लेकिन उनका शेप सर्कुलर नहीं होता है। जैसे कि कौन सा साइन हो गया? जैसे कि आपका स्टॉप साइन हो गया, जैसे कि आपका गिव वे साइन हो गया, ठीक है। स्टॉप कैसे होता है? स्टॉप आपका हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, पता ही है आपको। गिव वे क्या होता है? इन्वर्टेड ट्रायंगल। गिव्वे क्या होता है? इन्वर्टेड ट्राइंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा कि स्टॉप साइन आपका
साइन आपका साइन नहीं है, सॉरी साइन है रेगुलेटरी लेकिन उसका शेप सर्कुलर नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये देखो रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन है, ठीक है, और रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन को तोड़ना इसका मतलब तुरंत अपना चालान कटवाना, तुरंत चालान कटवाना, समझ रहे हो? चालान कट जाएगा आपका। हाँ, गिव वे इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये देखो ये सारे आपके जो साइन है ये आपके हैं रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन, लेकिन सारे आपको इसमें सर्कल दिख जाएंगे, लेकिन जो गिव वे है ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है, और जो ये स्टॉप साइन है ये आपको ऑक्टाहेड्रल शेप का दिखेगा, ठीक है। गिव वे इन्वर्टेड ट्राइंगल, स्टॉप आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और इसको तोड़ने का मतलब क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन को तोड़ोगे तो क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर आ जाओगे, ठीक है। और ये जो हम यूज करते हैं साइन, ये जमीन से 2.8 मीटर की हाइट पे होता है, 2.8 मीटर की हाइट पे होता है, और इस सर्कल का डायमीटर होता है 60 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर होता है 60 सेंटीमीटर। तो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। एसएससी जख्मी सर, डायमेंशन क्या होगी ऑक्टागोनल की? ऑक्टागोनल का तो नहीं पता जख्मी जी, लेकिन ये आपका जो सर्कल है, जो मोस्टली सर्कल होता है वो 60 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, और जमीन से उसको 2.8 मीटर की हाइट पे लगाते हैं, इजंट इट? जमीन से उसको 2.8 मीटर की हाइट पे लगाते हैं और 60 सेंटीमीटर का डाया होता है, और हमारी आंख से जो एक्यूट विजन का एंगल बनता है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच बनता है। और बाकी इस स्टॉप साइन तो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, इसकी डायमेंशन मेरे माइंड में नहीं है अभी। मेरा रेड लाइट क्रॉस कर दिया था, 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। कोई बात नहीं, एक बार 1,000 रुपए का जुर्माना भरा तो फिर आगे आप रेड लाइट देख के क्रॉस नहीं करोगे, रुक जाओगे पहले ही, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे सर्कुलर होते हैं लेकिन स्टॉप और गिव वे की साइन अलग होती है। जमीन से 2.8 मीटर की हाइट पे होता है, डायमीटर सर्कल का कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको क्रॉस करना मतलब क्रिमिनल ऑफेंस करना, इजंट इट? फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ था भाई, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, तो आपका हो गया स्टॉप साइन, हो गया आपके आंसर। आगे चल लो, द रेड लाइट इज यूज एज सिग्नल फॉर स्टॉप एज इट इज विजिबल फ्रॉम ए ग्रेटर डिस्टेंस देन अदर कलर बिकॉज ऑफ इट्स। सिग्नल के लिए हम रेड लाइट का यूज करते हैं, हमारे पास बहुत ढेर सारे कलर है फिर भी हम रेड लाइट का यूज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप सबको ये बात पता है, विबग्योर, सबको तो ये पता है विबग्योर। विबग्योर में ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा रेड हो गया, ये सबसे नीचे है, ठीक है। तो यहां से टॉप से लेके बॉटम में आपकी जो ये वेवलेंथ होती है ये बढ़ती जाती है, ठीक है, ये आपकी बढ़ती रहती है। तो जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा निकल के आएगी, और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ बढ़ रही है ना, वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो इसको ऐसे दिखाओ ना, वेवलेंथ अगर बढ़ती है इसको हम ऐसे दिखा देंगे, इसकी ज्यादा है फिर इसकी जो निकल के आएगी वो और ज्यादा आएगी। रेड कलर की जो वेवलेंथ ज्यादा निकल के आएगी वो और ज्यादा निकल के आएगी, इस वजह से हम रेड कलर का यूज कर लेते हैं। वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी कम निकल के आएगी, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू एनी अदर कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, इजंट इट? विबग्योर तो आप सभी ने पढ़ा होगा क्या होता है, सबसे ऊपर वायलेट, सबसे लास्ट में रेड। वेवलेंथ क्या होती है,
वायलेट से लेके रेड तक बढ़ती रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द टू इक्वली इंपॉर्टेंट रूट्स क्रॉस रफली एट राइट एंगल, ये देखो, व्हेन द टू इक्वली इंपॉर्टेंट रूट, इक्वली इंपॉर्टेंट रूट राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं, तब सेंट्रल आयरन का शेप क्या होगा। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका इक्वली इंपॉर्टेंट रोड है, वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो आपको जो सेंट्रल आयरन प्रोवाइड करोगे वो आप करोगे सर्कुलर। ठीक है, जो आप सेंट्रल आयरन प्रोवाइड करोगे वो करोगे सर्कुलर, इजेंट इट। और अगर इसी में एक रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, दूसरा रोड इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब जो आप यहाँ पे आइलैंड प्रोवाइड करते सेंट्रल पे, वो आप करते टेंजेंट, इजेंट इट। चलिए, तो यहाँ पे हो गया सर्कुलर। अगर दोनों रोड इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू रोड इक्वली इंपॉर्टेंट रोड, ठीक है, और दोनों राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को, तब आप जो प्रोवाइड करोगे वो क्या प्रोवाइड कर दोगे, सर्कुलर प्रोवाइड करोगे, सर्कुलर। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे। इज द प्लेटफॉर्म सूटेड ऑन कैरिज वे सो एज टू डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सेफ एरिया फॉर पेडेस्ट्रियन। ये तो 10 बार बता चुका हूँ भाई। कौन सा आइलैंड होता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आइलैंड, जिसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्यूज आइलैंड भी बोल सकते हैं। क्यों विनोद, क्यों विनोद, विनोद का नाम बहुत बढ़िया है। विनोद, अभी कौन सी वेब सीरीज आई थी जिसमें विनोद था, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, इसमें आपका हो जाएगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आइलैंड, इसी को हम बोल देते हैं रिफ्यूज आइलैंड। ठीक है, इसी को हम बोल देंगे रिफ्यूज आइलैंड। किस लिए होता है ये, पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए होता है। कितनी बार दिखाया हूं आपको, सर बहुत बार दिखाए हैं, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लो भाई, पेडेस्ट्रियन आइलैंड कहाँ है, पेडेस्ट्रियन आइलैंड कहाँ है, ये है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड, इसको हम क्या बोल देंगे, किस लिए होता है, पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, अगर वो रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो। ठीक है, और पेडेस्ट्रियन आइलैंड बोल देंगे इसको, इसको रिफ्यूज आइलैंड भी बोल सकते हैं, और इसको क्रॉसिंग आइलैंड। ठीक है, रिफ्यूज आइलैंड सर हिंदी में बता दो एक बार। देखो बेटा, रिफ्यूज आइलैंड क्या होता है कि सड़क पे पैदल यात्री भी चल रहे होते हैं, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि व्हीकल अगर आ रहा है उसके बगल में सिग्नल है, तो वो सिग्नल कुछ देर के लिए जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको रोड क्रॉस करने के लिए भी रुका रहता है, ठीक है, ताकि वो रोड क्रॉस कर लें। जैसे कि आप इस फिगर में देखो, ये मार्किंग आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मार्किंग दिखाई दे रही है, ये आपका रिफ्यूज आइलैंड है। ठीक है, इस पे जब सिग्नल सिग्नल रुके होने के बाद इसमें पैदल, इसी के थ्रू पैदल यात्री रोड को क्रॉस करते हैं, या तो ये आपका हो गया पेडेस्ट्रियन आइलैंड रोड के बीच में। किस लिए, अगर खुद सोच के देखो, अगर यहाँ से बस आ रही है जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है, अचानक से किसी यात्री को यहाँ पे रुकना हुआ, तो उसने बस को रुकवाया और रुका और वो सीधे इसी आइलैंड पे लैंड कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे वो ज्यादा सेफ होगा, उधर से भी गाड़ी आ जा रही होगी तो उसको दिक्कत नहीं होगी। तो मेन इस जो पेडेस्ट्रियन आइलैंड का मतलब होता है, चाहे वो रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया हो, चाहे वो रोड के पैरेलल बनाया गया हो पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मेन इसका काम होता है पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पैदल यात्रियों को प्रोटेक्ट करना,
एसएससी जख्मी, एसएससी जख्मी, समझ में आया? समझ में आया? विनोद यादव सर, आप प्रयागराज में हैं? हाँ मैं प्रयागराज में हूं। जख्मी समझ में आया? ठीक है, एसएससी जख्मी, ओके थैंक्स, क्लियर, वेरी गुड। चलो देखो, इसीलिए कोई भी चीज अगर आप थोड़ा फिगर के माध्यम से देखोगे ना, तो वो चीज आपके माइंड में जल्दी कैप्चर करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है कि हम लोग इसमें सारी चीजों को, सारे टॉपिक्स को अपने इन्वायरमेंट में देखे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको कोरिलेट करने की जरूरत है। आप जितनी जल्दी रिलेट कर ले जाओगे, उतनी जल्दी चीजों को समझ जाओगे। फिर बस आपको स्टेटमेंट का मतलब समझना है, और उतनी इंग्लिश तो सबको आती है। ठीक है, कि कोई स्टेटमेंट अगर एक बार पढ़ के उसका मतलब समझ लो, धीरे धीरे अगर माइंड में उसका फिगर है तो तुरंत आंसर लगाओगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द, प्रोटेक्ट सेफ एरिया फॉर पेडेस्ट्रियन। अब देखो, एक बार फिगर देख लिए, अब इसको फिर पढ़ो एक बार। इज अ प्लेटफॉर्म सिचुएटेड ऑन ए कैरिज वे सो एज टू डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ ए ट्रैफिक एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सेफ एरिया फॉर पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन के लिए सेफ एरिया प्रोवाइड करता है। कौन करेगा? यही करेगा, पेडेस्ट्रियन आइलैंड, क्रॉसिंग आइलैंड, डिफ्यूजिंग आइलैंड। चलो, व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, केवल एक रोड इंपॉर्टेंट है उसमें, केवल एक रोड इंपॉर्टेंट है, देन द सुटेबल शेप ऑफ द रोटरी। तब रोटरी का शेप क्या हो जाएगा? तब रोटरी का शेप क्या हो जाएगा? रोटरी का शेप क्या हो जाएगा तब बताओ? अभी बताया था, अभी मैंने एक स्टेटमेंट रिपीट किया था जब वो वाला क्वेश्चन आया था। अगर दोनों रोड, अगर दो रोड हैं, ठीक है, जो राइट एंगल पे मीट कर रहे हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तब यहाँ पे कौन सा रोटरी का शेप हम अडॉप्ट करेंगे? रोटरी का शेप हम अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे सर्कुलर। लेकिन अगर दो रोड हैं, उसमें एक रोड इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब एक रोड काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तब वहां पे जो रोटरी का शेप प्रोवाइड किया जाता है वो टेंजेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टेंजेंट प्रोवाइड किया जाता है, इजेंट इट? अश्वनी ब्रॉक लेसनर, चलो सही है, अश्वनी ब्रॉक लेसनर, बिल्कुल सही बात है, सही है, सही है। चलो आगे चलें। द ट्रैफिक मैनोवर्स मीन्स, यातायात युक्ति का अर्थ क्या है? डाइवर्जिंग, हाँ डाइवर्जिंग होता है, मर्जिंग भी होता है, क्रॉसिंग भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द एवर। ट्रैफिक मैन्यूवर का मतलब क्या है? डाइवर्जिंग, मर्जिंग, क्रॉसिंग, वीविंग, सब लो, देख लो क्या होता है। डाइवर्जिंग, मर्जिंग, मीनिंग, क्रॉसिंग, डाइवर्जिंग, मर्जिंग, क्रॉसिंग, बताया था मैंने आपको। देख लो, ये आपका हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है, इस रोड से डाइवर्ट हो जाना। ये आपका हो गया मर्जिंग, पेरेंट रोड में मिल जाना। ये आपका हो गया क्रॉसिंग, क्रॉस कर जाना। ये आपका हो गया वीविंग। अगर आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हो तो एक स्मॉल एंगल से डेविएट करके सेम डायरेक्शन में चले जाना, इजेंट इट? ब्रॉक लेसनर, जख्मी, क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो। द मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज, सबसे इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम कौन सा है? इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम कौन सा है? साइमल्टेनियस, अल्टरनेट, फ्लेक्सिबल, सिंपल, प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो मैं आपको बता चुका हूं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम इज द मोस्ट इफिशियंट सिग्नल सिस्टम। क्यों होता है? क्योंकि इसमें साइकिल लेंथ जो होती है वो ऑटोमेटिकली वेरी कर सकती है, साइकिल लेंथ इसमें ऑटोमेटिकली वेरी कर सकती है, इसलिए फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम आपका मोस्ट इफिशियंट सिग्नल सिस्टम होता है। साइमल्टेनियस में क्या होता है? एक टाइम में, एट सेम टाइम पे,
सेम इंडिकेशन होता है, चाहे ग्रीन लाइट का चाहे रेड रेड लाइट का, ठीक है। और इससे साइमल्टेनियस से थोड़ा सा अच्छा क्या होता है, सिंपल प्रोग्रेसिव, सिंपल प्रोग्रेसिव से काफी अच्छा फ्लेक्सिबल। चले आगे, चलिए सर ये बता दो, रेगुलेटरी साइन आर शोन एट ए हाइट ऑफ फ्रॉम रोड सरफेस। देखो पूछ लिया क्वेश्चन उसमें से, रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन आपका जमीन से 2.8 मीटर की हाइट पे होता है, ये याद रखना है आपको। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.8 मीटर। तो अगर आपका यहाँ पे, अगर मैं अर्थ को मानूं, ग्राउंड सरफेस को अगर मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो आपका जो रेगुलेटरी साइन होगा वो यहाँ से कितना होगा, 2.8 मीटर, 2.8 पे यहाँ पे रेगुलेटरी साइन हो जाएगा, ठीक है। विनोद यादव देख रहे हो, विनोद विनोद देख रहे हो कि नहीं? चलिए, और मैंने एक चीज और बताया था कि देखो इसका डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगर ये सर्कुलर शेप है तो इसका डायमीटर हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मैंडेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन डिस्प्लेड ऑन द डिस्क हैविंग द डायमीटर, ठीक है। अभी बताया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। आगे चलो, द कलर ऑफ द लाइट यूज फॉर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग, इसका जवाब कौन देगा? यस सर देख रहा हूं, विनोद देख रहा है, विनोद देगा जवाब इसका। अगर कोहरा है, अगर फॉग है, तो हम लाइट का कौन सा कलर यूज करेंगे बताओ? कोहरा है, फॉग है, तो लाइट का कौन सा कलर हम यूज करते हैं विजिबिलिटी के लिए गाड़ी वाड़ी में बताओ? व्हाइट, रेड, ग्रीन, येलो। विनोद जख्मी, यार इसका जख्मी का नाम बड़ा प्यारा है, एसएससी जख्मी, एसएससी ने बहुत सारे जख्म दिए हैं इसे। विनोद यादव, विनोद का बिल्कुल सही जवाब है। अब विनोद इसका एक्सप्लेनेशन बता दो, क्यों येल्लो रेड क्यों नहीं? येल्लो है, ठीक है, सही बात है, रेड क्यों नहीं? विनोद यादव जख्मी, डी डी, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, येल्लो हम यूज करते हैं, सही बात है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम कलर स्पेक्ट्रम की बात करें, विबग्योर, और मैंने क्या बताया था, वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है नीचे, तो जो वाई के करेस्पॉन्डेंट वेवलेंथ रहती है वो भी ज्यादा निकल के आएगी। तो अब आप पूछोगे सर ऑरेंज की तो उससे भी ज्यादा आएगी, रेड की तो उससे भी ज्यादा आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, ज्यादा रहती है वेवलेंथ, लेकिन हम यूज करेंगे येल्लो, क्यों हम यूज करेंगे येल्लो? क्यों? क्योंकि रेड का हम पहले से यूज कर चुके हैं अपने सिग्नल सिस्टम में, रेड कलर का हम पहले ही यूज कर चुके हैं अपने सिग्नल सिस्टम में, इसलिए गाड़ी वगैरह में, ठीक है, व्हीकल में हम येल्लो लाइट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि फॉग के केस में अगर कोहरे का मौसम रहे तो विजिबिलिटी काफी अच्छी निकल के आए, ठीक है, काफी अच्छी विजिबिलिटी निकल के आती है, क्लियर है? अच्छा ऐसे नहीं मानोगे क्या तुम लोग, फोटो देखोगे? और रेड क्यों नहीं यूज करते हैं, रेड इसलिए नहीं यूज करते हैं, हालांकि इसकी, विनोद स्लो मोशन अलाउड, ठीक है, हालांकि इसकी रेड की आपकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, लेकिन तब भी रेड यूज नहीं करते क्योंकि रेड हम पहले यूज कर चुके हैं सिग्नल सिस्टम में। और ऑरेंज किस लिए नहीं यूज करते, क्योंकि ऑरेंज का जो कलर होता है वो सिमिलर सिमिलर टू रेड होता है, इस वजह से ऑरेंज यूज नहीं करते हैं, येल्लो यूज करते हैं, ठीक
ठीक है अरे बोलो। देखो बढ़िया सा फिगर देख लो, फिगर देख लो, मजा आ जाएगा। विनोद बोल रहा है रेड सिग्नल पर रोकना पड़ जाएगा। सही बात है, गाड़ी में देखो रेड अगर जलेगा तो गाड़ी आपकी जहां खड़ी है फिर तो सबको लगेगा कि यहाँ पे इस समय रेड लाइट हुआ पड़ा है, ठीक है, सब लोग तुम्हारी गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोक देंगे। एसएससी जख्मी ब्रॉक लेसनर और विनोद यादव, फिगर देखो फटाफट। क्या फिगर से समझ में आ रहा है यहाँ पे? फिगर से ये आ रहा है कि देखो चाचा ये लगी हुई है येलो लाइट इधर 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 इधर, ठीक है। कैसी होती है लाइट ये ऐसी होती है हाई पावर की, हाई बीम लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो व्हाइट लाइट लगी हुई है, इसके नीचे येल्लो भी लगी हुई है। अब समझ में आया येल्लो का काम क्या होता है? अब उस येल्लो का काम होता है अगर फॉग का केस है तो उसमें हमारे पास एक ऐसा कलर भी होना चाहिए जिसकी विजिबिलिटी अच्छी खासी हो काफी दूर तक, ठीक है। देख लो येलो कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ एक्सेप्ट फॉर रेड एंड ऑरेंज कलर एंड ड्यू टू इट्स लार्ज वेवलेंथ इट कैन इजिली पेनेट्रेट थ्रू द डेंस फॉग। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इस वजह से ये डेंस फॉग को बहुत ही आसानी से पेनेट्रेट कर सकता है, ठीक है। लाल कलर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसका हम ऑलरेडी मार्किंग में यूज कर चुके हैं एज ए स्टॉप सिग्नल एंड ऑरेंज कलर इज अवॉइडेड ड्यू टू इट्स सिमिलरिटी विथ रेड, ठीक है। और ऑरेंज कलर को अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसकी सिमिलरिटी काफी ज्यादा होती है रेड कलर के साथ। इसलिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? इसलिए हम यूज करते हैं येल्लो कलर, ठीक है। इसलिए हम यूज कर लेते हैं येल्लो कलर। समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलें भाई, आगे चलें, थम्सअप करो, आगे बढ़ें फटाफट, थम्सअप करो, आगे बढ़ें, थम्सअप करो, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। द एवरेज वॉकिंग स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियन एज्यूम्ड फॉर टाइमिंग पेडेस्ट्रियन सिग्नल इज, इसका मतलब जब पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन होता है, इसका मतलब क्या कि अगर व्हीकल इधर से आ रहा है ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, अब पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन है, पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन है तो अभी आपको मैंने इसके पहले जो मैंने बताया था पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आइलैंड जो मार्किंग बनी होती है उसी से क्या करते हैं? पेडेस्ट्रियन क्रॉस करते हैं। तो जब पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे होंगे व्हीकल रुका होगा, पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन होगा, ठीक है, कंडीशन समझ में आई। तो उसमें पेडेस्ट्रियन की स्पीड कितनी मांगी है आईआरसी ने? पेडेस्ट्रियन की स्पीड मांगनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। पेडेस्ट्रियन की स्पीड कितनी मानी है? पेडेस्ट्रियन की स्पीड मानी है 1.2 मीटर सेकेंड। अगर पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन है, व्हीकल रुका हुआ है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आइलैंड के थ्रू पेडेस्ट्रियन रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उनकी स्टैंडर्ड स्पीड मानी गई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ब्रॉक लेसनर कह रहे हैं 2.1, 1.2 होती है। विनोद यादव 2.5। ये देखो ये देख लीजिए फटाक से देखिए इसे, द पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेजर एंड माइनर रोड आर कैलकुलेटेड ऑन द वॉकिंग स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए वॉकिंग स्पीड पेडेस्ट्रियन की एंड इनिशियल वॉकिंग टाइम इज 7 सेकेंड, ठीक है। कितनी देर तक? 7 सेकेंड तक, 7 सेकेंड तक। और मैंने आपको मिनिमम ग्रीन टाइम की वैल्यू भी बताई थी, मिनिमम ग्रीन टाइम की वैल्यू कितनी होती है? 16 सेकेंड। मिनिमम ग्रीन टाइम की वैल्यू, ग्रीन टाइम की वैल्यू इसकी मिनिमम कितनी आ जाएगी? मिनिमम आ जाएगी इसकी 16 सेकेंड, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम 16 सेकेंड। और पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आइलैंड के थ्रू अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं रोड
ठीक है, उनकी मिनिमम स्पीड, उनकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम वॉकिंग टाइम 7 सेकेंड, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड वॉकिंग टाइम आपका निकल के आ जाएगा, वॉकिंग टाइम आ जाएगा कितना, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। मिनिमम ग्रीन टाइम 16 सेकेंड, ठीक है, चलो ये 7 सेकेंड पेडेस्ट्रियन के लिए है भाई, ये 7 सेकेंड जो है ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, 16 और 7 को एक मत समझ लेना, ये 7 अलग है, ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, वो 16 क्या है, वो व्हीकल के लिए है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, फटाक से चलते हैं क्वेश्चन में, फटाक से चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो ये हो गया एवरेज वॉकिंग स्पीड पेडेस्ट्रियन के लिए, इतना हो गया, और वॉकिंग टाइम, वॉकिंग टाइम अभी हमने देखा, वॉकिंग टाइम है आपका 7 सेकंड, ठीक है, चलो आगे। अ रोड प्रोवाइडेड टू डाइवर्ट ट्रैफिक टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उस रोड को क्या कहते हैं जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है ऑब्स्ट्रक्शन से बचाने के लिए, ठीक है, किसी रुकावट से बचाने के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है, उस रोड को क्या बोलते हैं, बाईपास रोड, अर्बन रोड, आर्टेरियल रोड एंड लूप रोड, कौन सा रोड बोल देते हैं, उस रोड को बोल देते हैं लूप रोड, उस रोड को बोलेंगे लूप रोड, इसको रिंग रोड भी बोल देते हैं, रिंग रोड तो सुने होंगे, आओ दिखा देता हूं लूप रोड तुम्हें, लूप रोड दिखा देंगे आपको, देखो लूप रोड देख लो, अ रिंग रोड ऑल्सो नोन एज द, अगर रिंग रोड है, रिंग रोड को क्या बोल देते हैं, सर्कुलर रोड, बेल्ट लाइन, बेल्ट वे, सर्कमफरेंशियल वे, लूप और ऑर्बिटल रोड, ठीक है, रिंग रोड को क्या क्या नाम दे सकते हैं, बेल्ट लाइन, बेल्ट वे, लूप रोड, ऑर्बिटल रोड और सर्कुलर रोड, ठीक है, सर्कमफरेंशियल रोड इज अ रोड और ए सीरीज ऑफ द कनेक्टेड रोड, ठीक है, इन सर्कलिंग अ इन सर्कलिंग अ टाउन सिटी और कंट्री, इन सर्कलिंग अ टाउन सिटी और कंट्री, तो रिंग रोड के थ्रू क्या करते हैं, रिंग या लूप रोड के थ्रू क्या करते हैं, जो ट्रैफिक है उसको बाहरी बाहर डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो ट्रैफिक है उसको बाहरी बाहर डाइवर्ट किया जाता है और शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी शहर जाना है, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली एक्चुअली जाना मुझे और उससे आगे भी है, ठीक है, मुझे यहाँ से हरियाणा की तरफ से निकलना है, तो अगर मुझे दिल्ली होके जाना है तो जरूरी नहीं है कि मैं दिल्ली के अंदर होता हुआ जाऊं, मैं बाहरी बाहर रिंग रोड पकड़ के निकल सकता हूँ, एक्सप्रेस वे पकड़ के निकल सकता हूँ, हाईवे पकड़ के निकल सकता हूँ, तो इससे क्या हुआ कि जो मैं एज ए ट्रैफिक अंदर जाके कंजेशन को बढ़ाया नहीं, मैं मेरा काम बाहर था, मैं बाहरी बाहर मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है, मैं वो पकड़ के निकल गया, तो आप देखोगे अब तो अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में रिंग रोड आपको मिल जाएगी, लूप रोड मिल जाती है, जिससे कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, और प्रॉपर वो रिंग के शेप का होता है, इस तरीके से शहर के नक्शे के हिसाब से इसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, शहर के नक्शे के हिसाब से इस तरीके से इसे डिजाइन करते हैं, तो देखो वो फोटो देख लो, वो फोटो देख लो, ये डिफिनेशन देख लो, और क्या क्या नाम होता है ये देख लो, बेल्टवे कहते हैं, रिंग रोड कहते हैं, सर्कुलर रोड कहते हैं, सर्कमफरेंशियल रोड कहते हैं, बेल्टवे कहते हैं, बेल्टवे के अलावा आपका बेल्ट लाइन कह देते हैं, ठीक है, बेल्ट लाइन कह देते हैं, चलिए किस लिए यूज होता है, यूज होता है ताकि जो शहर के बाहर जाने वाला ट्रैफिक है वो बाहरी बाहर निकल जाए, शहर के अंदर उसे आने की जरूरत
ना पढ़े, ठीक है? चलिए, अरेंज्ड स्पेस लोकेटेड बिफोर एंट्री टू द क्रॉसिंग टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक इज नोन एज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रेज्ड स्पेस की बात कर रहा है, रेज्ड स्पेस लोकेटेड बिफोर एंट्री टू द क्रॉसिंग टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक इज नोन एज, ठीक है? क्रॉसिंग पे एंट्री करने से पहले जो उठा जो रेज्ड स्पेस रहता है किस लिए रहता है, वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक आइलैंड, रिफ्यूज आइलैंड, रोटरी गाइड आइलैंड। सर मुझे क्लास के बाद डाउट पूछना है आपसे। चलो क्या हो जाएगा इसका, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जो गाइड करता है उसको बोल देते हैं गाइड आइलैंड, इजंट इट, उसको बोल देते हैं गाइड आइलैंड, अश्विन अश्विन इसको बोल देंगे गाइड आइलैंड, ठीक है? इसको बोल देते हैं गाइड आइलैंड, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी, माइंड में रख लो इसको, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, क्रॉसिंग से पहले जो रेज्ड स्पेस प्रोवाइड होता है उसको गाइड आइलैंड बोलते हैं, अश्विनी, ठीक है? चलिए, कौन आया है, विग्नेश आया है क्या, विग्नेश, ट्रैफिक आइलैंड, ट्रैफिक नहीं गाइड आइलैंड, ब्रॉक लेसनर गाइड आइलैंड, अश्विनी, ओके सर, ब्रॉक लेसनर अश्विनी नहीं, अश्विनी तो है। चलो, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दैट इलेप्सेस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ग्रीन पीरियड फॉर एन अप्रोचेस एट एन इंटरसेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जल्दी बताओ, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बार अगर ग्रीन राइट जली, एक बार अगर ग्रीन लाइट जली, एक बार अगर ग्रीन लाइट जली, ठीक है, फिर उसके बाद जब अगली बार वापस से ग्रीन लाइट जलती है तो उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, उतने ड्यूरेशन को क्या बोल दिया जाता है, उतने ड्यूरेशन को बोल दिया जाता है साइकिल लेंथ, क्या बोल देंगे, साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ बोल दिया जाता है, साइकिल लेंथ देख लो, साइकिल लेंथ क्या हो गया, ये देखो ट्रैफिक साइकिल है, ये हमारा हो गया ग्रीन कलर, ये हो गया आपका ग्रीन कलर, ये आपका हो गया ग्रीन कलर, ये आपका हो गया एम्बर मतलब पीला कलर, ये हो गया रेड, रेड मतलब क्या, लाल कलर, तो एक बार अगर ग्रीन कलर जल गया ट्रैफिक सिग्नल में, फिर उसके बाद जब अगली बार ग्रीन कलर आपको वापस से दिखाई देगा तो उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम बोल देते हैं साइकिल लेंथ, इजंट इट, क्या बोल दिया जाता है, साइकिल लेंथ। विनोद यादव देख रहे हो, विनोद, ब्रॉक लेसनर साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ, विग्नेश ओके, चलो ठीक है, तो क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं, फिगर में देख लो, फोटो देख लो, हर एक चीज की फोटो मिलेगी यहां, फोटो क्या है देखो, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यहां पे साइकिल लेंथ। चलो आगे, किस एंड राइड इज एन एग्जांपल ऑफ, किस एंड राइड किस चीज का उदाहरण है, अब तुम लोग अपने हिसाब से जवाब मत देना, विनोद यादव, ब्रॉक लेसनर, इज दिस एंगल पार्किंग और पेरिफेरल पार्किंग और ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, किस एंड राइट किस चीज का एग्जाम्पल है, जवाब दो, विनोद यादव,
ऑप्शन नंबर सी ऑन स्ट्रीट पार्किंग नहीं, किस एंड राइड आपका एक पेरिफेरल पार्किंग है। पेरिफेरल मतलब जान रहे हो ना, परिधि जिसे कहते हैं। पेरिफेरल को हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं परिधि। परिधि मतलब क्या होता है, परिधि मतलब होता है किसी सर्कल के चारों तरफ। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि कोई एक बीच में सिटी है, ठीक है ये सिटी है, अगर हम ये मान लें कि एक सर्कल है आपके, इसके अंदर आपकी कोई सिटी सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसके बाहर हम अगर पार्किंग करते हैं, सिटी के बाहर ये पार्किंग हम करते हैं, तो वो आपका हो जाती है पेरिफेरल पार्किंग। इस पेरिफेरल पार्किंग का क्या फायदा होगा, इस पेरिफेरल पार्किंग का फायदा ये होता है कि सिटी के अंदर कंजेशन वगैरह की पॉसिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। ठीक है, सिटी के अंदर कंजेशन की सिटी के अंदर कंजेशन की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, चलो आओ देख लो इसको थोड़ा सा, बस 2 मिनट। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आज देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म करना है सर, आ गए थे क्लास के लिए। ठीक है, तो देखो किस एंड राइट क्या है। नॉर्मली किस एंड राइट एक पार्किंग का टाइप होता है, ठीक है, और मेन ये पेरिफेरल पार्किंग होता है। ब्रॉक लेसनर ने गूगल कर लिया है, ब्रॉक लेसनर ने गूगल कर लिया है, कह रहा है ऑल्सो कॉल्ड ए गुड बाय किस। देखो इसका जो नाम पड़ा है वो गुड बाय किस के बेसिस पे ही पड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए ड्रॉप करने के लिए आती है, तो अगर वो एक गाड़ी से आ रहे हैं तो वाइफ अपने हस्बैंड को ड्रॉप करती है और वापस से गाड़ी लेके चली जाती है। उसके बाद उसका हस्बैंड उस शहर के बाहर से किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शहर के अंदर जाता है, ठीक है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शहर के अंदर जाता है, तो इससे क्या फायदा होगा। इससे ये फायदा होता है कि जो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जितने लोगों के पास अपने प्राइवेट व्हीकल रहते हैं, वो शहर के अंदर नहीं आते हैं, वो बाहरी बाहर रहते हैं, तो इससे शहर के अंदर जो कंजेशन की पॉसिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, ये देखिए दिस इज अ ग्रेट पार्किंग प्रॉब्लम इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, सेंटर ऑफ द टाउन मतलब कि शहर के अंदर पार्किंग की नहीं, गूगल नहीं कर रखा है, सामने स्क्रीन पर है। अच्छा, ठीक है, तो देखो पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या होती है टाउन के अंदर। हम यहाँ पे की पॉइंट को हाईलाइट करते रहेंगे, ग्रेट पार्किंग प्रॉब्लम इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, इसीलिए कई बार क्या होता है, सिटीज में आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं रहता है कि आप पार्किंग प्रोवाइड कर पाओ, इसीलिए ये व्यवस्था लाई गई कि शहर के बाहर पार्किंग की फैसिलिटी, ठीक है, पार्किंग की फैसिलिटी की गई। और कितने टाइप का है, फॉर एग्जाम्पल ये है पार्क एंड वॉक, ठीक है, पार्क एंड वॉक, पार्क एंड राइड, कि आपने शहर के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क किया और अब जहां आपको जाना है वहां तक आप पैदल गए। शहर के बाहर आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया, जहां तक जाना है वहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहायता से गए। किस एंड राइड स्टैंड भी बना होता है कि आपका कोई रिलेटिव है, चाहे जो भी क्लोज वन है, वो आया आपको शहर के बाहर ड्रॉप किया, ठीक है, और उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले गए।
और फिर वापस से शाम को आप जब अपना काम करके आए सेम जगह, तो वो वापस से आया, आपको रिसीव किया शहर के बाहर और अपने डेस्टिनेशन पे चला गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है इसमें। तो ये आपका एक तरीके का हो गया पार्क एंड वॉक। पार्क एंड वॉक में क्या होता है कि इन सच केस द मोटरिस्ट आर इंड्यूस्ड टू पार्क द व्हीकल टू द पेरिफेरी ऑफ द टाउन एंड वॉक डाउन टू द टाउन सेंटर, एंड वॉक डाउन टू द टाउन सेंटर। ठीक है, पार्क एंड राइड का क्या हो गया इन सच केस, इसमें क्या होता है, गाड़ी आपका शहर के बाहर पार्क होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहायता से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहायता से, ठीक है, पर्सन सिटी के अंदर जाता है। ठीक है, पर्सन सिटी के अंदर जाता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव स्कीम और मोड एंड हैज बीन ट्राइड विथ ग्रेट सक्सेसेस इन द टाउन और सिटी। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो गया, किस एंड राइड। किस एंड राइड में क्या है, दिस नेम इज फाउंड फ्रॉम द गुडबाय किस, गुडबाय किस से इसको फाउंड किया गया है। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल देख लो, अगर कोई वाइफ ड्रॉप करती है हस्बैंड को बाई नियर कार विद अ बस स्टॉप इन द मॉर्निंग फ्रॉम दिस बस स्टॉप ही गोज टू द वर्क इन ए बस एंड रिवर्स ऑपरेशन इज डन इन द इवनिंग। जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वही सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो जो आपका किस एंड राइट पार्किंग है उसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का जो एक तरीके से उत्पत्ति हुई कैसे हुई, जो नॉर्मल आपका गुड बाय किस होता है उससे। ठीक है, आपका रिलेटिव वाइफ चाहे कोई भी आएगा आपको एक जगह ड्रॉप करेगा जो कि शहर के बाहर है, वहां से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन पे जाओगे, फिर शाम को आप वापस आओगे उसी जगह, तो जो आपको ड्रॉप किया था आपका रिलेटिव या वाइफ वो आएगा आपको लेके वापस जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, पॉजिटिव चीज क्या है, शहर के अंदर कंजेशन नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाओगे आपका पैसा कम लगेगा, तेल की बचत होगी, कन्वेंस कम लगेगा, फाइनेंशियली कम चीजें इन्वेस्ट होंगी। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देखो क्या है, द सेंट्रल एरिया ऑफ द टाउन इज नॉट गेट ब्लॉक बाई पार्किंग द व्हीकल। तो जो टाउन का सेंट्रल एरिया है वो ब्लॉक नहीं होगा ज्यादा पार्किंग की वजह से, वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देख लो साइन, देख लो किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ये वाला साइन देखो ध्यान से, किस एंड राइड का साइन बना हुआ है, मतलब ये एक रिलेटिव आया अपनी गाड़ी से यहाँ पे छोड़ा, फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना हुआ है, इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर बैठ के जा रहे हैं और बाय बाय कर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। एसएससी जख्मी इंस्टा नहीं चलाते सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो गया, ये देखो किस एंड राइड का हो गया। बाकी ये कौन सा है, ये पार्क एंड राइड है, शहर के बाहर पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। आगे देख लो और कुछ फोटोज देख लो, ये कौन सा है, ये आपका पार्क एंड राइड है, पार्क एंड राइड है। ठीक है, पार्क एंड राइड, ये भी आपका पार्क एंड राइड का साइन बना हुआ है। इसमें क्या करते हैं, पार्किंग कर दो अपनी गाड़ी को, यहाँ पे इसने अपनी गाड़ी को पार्क किया, फिर गया पैदल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ा, शहर के अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस फोटो में बना हुआ है पार्क एंड राइड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ किस एंड राइड का बना हुआ है। ठीक है, कोई रिलेटिव आया जो इस गाड़ी में बैठा हुआ है, आपको ड्रॉप किया, आप जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ लिए। ठीक है, किस एंड राइड का साइन बना हुआ है, ये नॉर्मली फ्रिक्वेंटली फॉरेन में यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली ये फॉरेन में यूज कर लिया जाता है। आगे देखो किस एंड राइड का बना हुआ है यहाँ भी, आगे देखो किस एंड राइड का यहाँ भी बना हुआ है। ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में सर, हम लोगों की जिंदगी में भी गुड बाय। विनोद, चलो देखो यहाँ पे ये बना हुआ है किस एंड राइड,
विनोद कह रहे हैं सर हम लोगों की जिंदगी में भी गुड बाय किस होगा कि नहीं। गुड बाय किस तो तब होगा ना जब पहले की जब किसी से गेट टुगेदर किस होगा तुम्हारा। गुड बाय किस की नौबत तो तब आएगी ना जब किसी से गेट टुगेदर किस होगा। तुम्हें पहले जो है गेट टुगेदर किसी से करना नहीं है और पहले गुड बाय किसी चाहिए तुम्हें। अब तो विनोद के ऊपर एकदम कहने लायक है कि देख रहे हो विनोद, विनोद को इस समय ट्रांसपोर्टेशन पड़ रहा है लेकिन उसे चाहिए गुड बाय किस। चलिए विनोद को हर चीज का मौका मिलेगा। अभी आपके पढ़ने का समय है, एग्जाम देने का समय है, वो सारी चीज करिए। समय आने पे आपको गेट टुगेदर किस करने का भी मौका मिलेगा, गुड बाय किस करने का भी मौका मिलेगा, हर चीज का मौका मिलेगा। चलो ठीक है, तो क्लियर है जोक सपाट, क्लियर है ये। चलिए आइए, अ कंप्लीट साइकिल ऑफ सिग्नल इज द सम ऑफ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन है, बता दो। अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ए सिस्टम इज अ सम ऑफ, किसका समेशन होता है। अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ए सिग्नल इज अ सम ऑफ ग्रीन टाइम, रेड टाइम, एम्बर टाइम। ठीक है, ग्रीन टाइम, रेड टाइम, एम्बर टाइम। और एम्बर टाइम का तो तुम्हें पता होगा, एम्बर टाइम कैसे निकालते हैं। एम्बर टाइम इज इक्वल टू SSD, विड्थ ऑफ रोड प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है भाइयों। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है, कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है, ग्रीन टाइम, रेड टाइम, एम्बर टाइम। ठीक है, ग्रीन टाइम, रेड टाइम, एम्बर टाइम। एम्बर टाइम का तुम ये फॉर्मूला भी याद कर लो, हो सकता है एक आध लाइन का न्यूमेरिकल पूछ दे तुमसे इसमें। एम्बर टाइम ये आपका हो जाता है SSD प्लस W प्लस L डिवाइडेड बाई। इसको देखो थोड़ा फिगर से देख लो, ये भी मजा आएगा, ये भी देखने में मजा कैसे आएगा ऐसे। ये देखो, ये अगर मान लो कोई रोड दिया, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इधर से रोड है, इधर से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अभी रेड लाइट जल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे रेड लाइट जल रही है, ठीक है। रेड लाइट के बाद क्या जलेगा, रेड लाइट के बाद ग्रीन जलेगा, ग्रीन के बाद क्या होगा, ग्रीन के बाद एम्बर जलेगा, एम्बर के बाद क्या होगा, फिर रेड लाइट जल जाएगा। तो अभी ये रेड लाइट है, रेड के बाद क्या हो जाएगा आपका, रेड के बाद ग्रीन जलेगा, ग्रीन के बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन के बाद आपका हो जाएगा एम्बर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट जली हुई है, इसका मतलब इधर का ट्रैफिक इधर पास करेगा। ठीक है, इधर का ट्रैफिक इधर पास करेगा, तो ग्रीन लाइट, ग्रीन टाइम जब खत्म होगा, मैंने माना कि अगर मेरा ग्रीन टाइम 10 सेकेंड है, तो अगर 10 सेकेंड पे ग्रीन टाइम खत्म होता है, तो उसके बाद एम्बर कितनी देर तक पीली लाइट जलेगी, एम्बर लाइट जलेगी, ये डिजाइन करनी पड़ती है हमें। और ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगा कि ये विड्थ कितनी है। ठीक है, ये विड्थ कितनी है, और कोई व्हीकल है उसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे, उसकी स्पीड पे और व्हीकल की लेंथ पे। खुद सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीन लाइट जल रही है और ग्रीन के बाद तुरंत ही येल्लो लाइट जल जाती है और आपका व्हीकल यहाँ पे है, ठीक है, तो व्हीकल आपका V स्पीड में है। अब मुझे इसको व्हीकल को यहाँ पहुंचाना है, यहाँ, ठीक है, तो इसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, उसको ये दूरी चलनी पड़ेगी प्लस इसकी जितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो चलने पड़ेगा, और प्लस इसकी पूरी लेंथ इस रोड सेक्शन के अंदर आ जानी चाहिए,
इसका मतलब एल लेंथ भी इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब आपका ये हो जाता है डब्ल्यू बी प्लस एच एच डी प्लस एल, और तुम इसकी स्पीड से डिवाइड कर दोगे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि एम्बर टाइम हमें कितना प्रोवाइड करना है। एसएससी जख्मी सर, आपका जेई कितनी बार में निकल गया था जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी? देखो जेई के लिए बेटा आपको प्रिपेयर होने में कम से कम आपको 1-1.5 साल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पहली बार सिलेबस पढ़ के उतना बहुत मुश्किल है कि स्पेशली खास तौर पे डिप्लोमा के बच्चे चीज़ों को गेन कर पाए। तो जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन आपने एक बार खत्म किया, आपने कुछ कुछ चीजें सीखी उसमें, एक बार में किसी को नहीं आ जाता है, लेकिन आप बार जब उसको अगली बार रिवाइज करने बैठोगे तो सेम पढ़ी हुई चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी और कुछ और एक्स्ट्रा चीजें समझ में आएंगी। फिर अगली बार जब उसे रिवाइज करोगे तो जो पढ़े हुए वो तो अच्छे से आ ही जाएगा, जो पिछली बार कम समझ में आया था वो इस बार अच्छे से समझ में आएगा। तो मतलब कि प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहनी है, जो सब्जेक्ट आपके तैयार होते जा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो उसके ऊपर, और जो जो आपको टेस्ट देते रहो, टेस्ट देने के बाद जो जो पॉइंट मिले उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते रहो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके पास बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे नोट्स तो पढ़ नहीं पाओगे, आपको शॉर्ट नोट्स ही जल्दी जल्दी आप अपना पढ़ के कवर कर लो, एग्जाम दे लो। उस एग्जाम में अगर जीएस आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है या कोई और सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप जो नॉर्मली टेक्निकल के बच्चे छोड़ के जाएंगे तो आप उस पर थोड़ा मेहनत कर लो, ताकि आप भीड़ से थोड़ा अच्छा नंबर लेके आओगे। ठीक है, एसएससी जख्मी सर, मैं शॉर्ट नोट्स बना तो लेता हूं पर उन्हें रिवाइज नहीं कर पाता, न्यू क्वेश्चन लगाता रहता हूं जिससे मैं चीजें भूल जाता हूं, कैसे करूं सर मैं सब? देखो भूल जाते हो तो इसका कोई कोई रामबाण इलाज नहीं है, एक ही इलाज है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आगे। जैसे कि अभी तुमने सॉइल का अगर शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है, फिर तुम अगला सब्जेक्ट लिए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का बनाने लग रहे हो तो इसका मतलब या शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या पढ़ रहे हो, तो वो सब्जेक्ट छोड़ मत दो सॉइल। आधा घंटा दे दो, दिन में क्या जा रहा है आधे घंटे में, शॉर्ट नोट्स बना ही लियो। और ये भी नहीं कि शॉर्ट नोट्स उठाओ तो सारा एक ही साथ पढ़ो, एक पेज पढ़ लो, दो पेज पढ़ लो, ठीक है। धीरे धीरे जब डेली की रूटीन में आप इस चीज को करोगे तब आप खुद ही ये चीज फील करोगे कि धीरे धीरे करके आपके माइंड में चीजें ज्यादा एकोमुलेट हो रही हैं। यहां तो 3 साल होगी, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अपना सिलेबस कवर करो अच्छे से, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जो एग्जाम में सिलेबस आ रहा है, जो पार्ट आ रहा है, कुछ छोड़ के मत जाओ, कवर करके जाओ, एग्जाम निकालने का यही तरीका है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी विवेकानंद बन के नहीं पैदा होता है, ठीक है। यहीं पे जो जो जितने ही कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेगा अपने आसपास के कंपटीशन में वो आगे बढ़ जाएगा। और हमेशा मेहनत सही डायरेक्शन में करो, ठीक है, सही डायरेक्शन में करो, सही गाइडेंस लो, सही इंसान से गाइडेंस लो, ये बहुत जरूरी है। चलिए तो ये आपका हो जाता है, आगे देख लो, कहाँ बता रहा था मैं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन टाइम, रेड टाइम, एम्बर टाइम को हम बोल देंगे क्या, साइकिल ऑफ सिग्नल। आगे देखो, इज अ टाइप ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सा इंटरसेक्शन होता है, क्या ग्रेड डिफरेंशिएटेड कोई इंटरसेक्शन होता है? नहीं, ग्रेड सेपरेटेड होता है, होता है, ग्रेड कोलिमिटेड नहीं होता है, ग्रेड मर्ज नहीं होता, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन भी होता है और एट ग्रेड इंटरसेक्शन भी होता है। ग्रेड सेपरेटेड भी इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको, एट ग्रेड भी इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं इसमें अलग अलग ग्रेड पर, पेमेंट के अलग अलग ग्रेड पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं या क्रॉस करवाते हैं, ग्रेडियंट अलग अलग रहता है रोड का। अभी इसकी फोटो दिखा दूंगा, अभी इसकी फोटो दिखाऊंगा आपको, ग्रेड सेपरेटेड, बी बी बी, ठीक है। चलो आगे देखो,
आगे क्या बोल रहा है, इन अ रिलेशन टू ट्रैफिक द एम्बर टाइम इन द टाइम साइकिल, एम्बर टाइम इन द टाइम साइकिल व्हेन द टाइम गोज ऑन, मतलब कि जब एम्बर टाइम होता है तो कौन सा कलर जलता है आपका, रेड येलो ग्रीन, आइदर रेड और ग्रीन। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल हो गया। ग्रेड सेपरेटेड एंड ग्रेड इंटरसेक्शन। एक आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है, एक एट ग्रेड इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ग्रेड सेपरेटेड है, एट ग्रेड है। अभी दिखाऊंगा, सारी फोटो दिखाऊंगा, अंडर पास की भी दिखाऊंगा, बाईपास की भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा अभी। येलो बेला, येलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, व्हाइल डिजाइनिंग द ट्रैफिक रोटरीज द वैल्यू ऑफ डिजाइन स्पीड इन द अर्बन एरिया, ये मैंने आपको बताया था रोटरी के केस में। रोटरी के केस में मैंने आपसे जब सारा डाटा मैं आपको दे रहा था, तो मैं आपसे ये चीज बोला था कि इसमें भी डिजाइन स्पीड के केस में एक आपका हो गया अर्बन एरिया, एक आपका हो गया रूरल एरिया। अर्बन एरिया में कितना इसका होता है, 30 km/h रोटरी पे। रूरल में आपका हो जाता है 40 km/h, 30 और 40 km/h, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अर्बन एरिया की बात कर रहा है, तो अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, 40 km/h, सॉरी अर्बन ना मतलब शहर, शहर में क्या हो जाएगा, 30 km/h। शहर में क्या हो जाएगा, अर्बन में 30, रूरल में 40। ए ए ए, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। आगे चल लो, डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। हमको सी नॉट की वैल्यू निकालनी है सेकंड में। इफ द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द नॉर्मल फ्लो टू सेचुरेशन रेशियो ऑफ द टू डायरेक्शनल फ्लो इज 0.75 एंड टोटल लॉस टाइम 8 सेकेंड। इसका मतलब टोटल लॉस टाइम दे रखा है कितना, 8 सेकेंड। टोटल लॉस टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, और y की वैल्यू दे रखी है सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ये आपका दे रखा है कितना, 0.75। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, और हमें निकालना है किसकी वैल्यू, ऑप्टिमम साइकिल टाइम की वैल्यू। ऑप्टिमम साइकिल टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 × 12 + 5 / 1 - 5, इजंट इट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 × लॉस टाइम कितनी है, लॉस टाइम 8 सेकेंड है, +5 / 1 - समेशन कितना है क्रिटिकल फ्लो रेशियो का, 0.75। तो ये आ जाएगा आपका गाइस 8 × 1.5, 12, 12 × 5 = 17, 17 / 0.25, तो ये आपका 17 × 4 = कितना हो गया, 68 सेकेंड हो जाएगा आंसर इसका, क्लियर है। 68 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, 68 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। चलें, चलिए। फॉर ए पेडल साइकिल सजेस्टेड पीसीयू वैल्यू फॉर द अर्बन रोड एट द माइल्ड ब्लॉक सेक्शन। पीसीयू की वैल्यू बतानी है पेडल साइकिल के लिए, पेडल साइकिल के लिए बतानी है पीसीयू की वैल्यू। वीआरपी कितनी होती है बताओ, कौन बोल रहा है, बेला, सॉरी 5.5 होती है, 5 नहीं होती है, 0.5, 0.5 वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, ऐसे पैडल साइकिल की बात कर रहा है, मोटरसाइकिल स्कूटर का 0.5, ठीक है, पैसेंजर कार का 1, सिंगल यूनिट ट्रक बन बस 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पैडल साइकिल स्लो मूविंग व्हीकल, पैडल साइकिल का हो जाएगा 0.5, साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा का हो जाएगा 2,
ठीक है, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का हो जाएगा एक, ठीक है। तो पैडल साइकिल का कितना हो गया, पैडल साइकिल का हो गया आपका 1/2, पैडल साइकिल का कितना हो गया 1/2। आगे देखो, व्हेन द टू रोड्स विथ ए एंड बी, ए इज वन वे, ए आपका वन वे है एंड बी इज टू वे, बी आपका टू वे है, द टोटल नंबर ऑफ द पोटेंशियल मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बेला, हम पहले वाले में 1.5L+5 नहीं लिखे थे, वो बता रहे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके आई अंडरस्टैंड। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 32 का डी, 16। 16 कैसे होगा भाई, 16 कैसे होगा, ये आपका वन वे है, देखो ये कह रहा है ये वन वे है, और अगर दो रोड की मैं बात करूं ये आपका टू वे है, ऐसे ही गलती करोगे एग्जाम में। देखो 24 टोटल, 24 तो आपका हो जाता है टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट टू लेन टू वे के केस में, ठीक है, टू लेन टू वे के केस में टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 24 हो जाता है, और 16 हो जाता है मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, 24 आपका हो जाता है टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, 16 हो जाता है मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और अगर आपका दोनों रोड वन वे हैं, ठीक है, दो लेन का है, दो दो लेन का दो रोड है और दोनों रोड वन वे है, तब आपका टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाता है 6, 6, और जिसमें से कि 4 आपका मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है और 2 आपका माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, 4 आपका मेजर, 2 आपका माइनर। तो तीसरा आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका एक रोड वन वे है और दूसरा रोड आपका टू वे है, तब मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने निकल के आएंगे। टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने निकल के आएंगे, ऑप्शन के हिसाब से टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इसके निकल के आएंगे 11, ठीक है। ये मैंने चार्ट ये बनवाया था आपको, ये देखो आपके पास टू लेन है रोड ए का, रोड बी का आपके पास टू लेन है, ठीक है, अगर दोनों रोड आपके दो में हैं जैसा कि मैं बोल रहा था, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की 24, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। अब अगर ए आपका वन वे है बी आपका टू वे है, तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाएंगे आपके 11, ठीक है, बोथ रोड वन वे है तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर आपका एक रोड वन वे है एक रोड टू वे है, तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे, मेजर हटा दो इसमें, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू आपकी निकल के आने वाली है यहाँ पे 11, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है 11, ठीक है। क्लियर है, ब्रॉक लेसनर, बेला, एसएससी जख्मी, मोस्ट अप्रोप्रिएट सीसी ही जाना था, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन में जब दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी ही निकल के आएगा, ठीक है। चलो, द रेंज ऑफ द वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो थ्योरेटिकली, वॉल्यूम मतलब क्या था, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी का रेशियो पूछ रहा है ये, ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी का रेशियो पूछ रहा है ये, कहां से कहां तक होगा सर, ये आपका हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक होगा ये, क्यों होगा, क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम की मैक्सिमम
लिमिट जो होती है वो कितनी होती है? बेला कुलदीप पाल है। हाँ कोई बात नहीं, बेला कुलदीप पाल है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका 0 to 1 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ट्रैफिक कैपेसिटी तो कभी 0 होगी नहीं, ये तो कभी 0 हो नहीं सकती है। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? कैपेसिटी के बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू कहाँ से लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली है ये वैल्यू। दिस वैल्यू विल बी लाई बिटवीन द 0 to 1। बेला बाय बाय, किसको बाय बाय कर रहे हो? ठीक है, ये वैल्यू अभी कितनी लाई करेगी? 0 to 1। चलो, क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी 0 होगी नहीं, ट्रैफिक वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ के 1 के ट्रैफिक कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब 1 के बराबर हो जाएगी। 1 इसकी अपर लिमिट है, मिनिमम लिमिट 0, नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। चलो, ट्रैफिक साइन आर टू बी प्लेस एट द कोन ऑफ, कितने कोन पर प्लेस करते हैं इसको? ट्रैफिक साइन को, ट्रैफिक साइन को हम पोस्ट करते हैं मिनिमम 3 डिग्री पे, कम से कम 3 डिग्री पे। एक्यूट विजन इसका होता है मिनिमम 3 डिग्री। फोटो में देख लो, फोटो में देख लीजिए इसको, ये देखो। द बेस्ट विजन कोन वेयर द ट्रैफिक साइन शुड बी प्लेस्ड इज गिवन एज, कितने कोन पे इसको प्लेस किया जाता है? द मोस्ट एक्यूट विजन इज विद इन अ कोन 3 to 5 डिग्री। मोस्ट एक्यूट विजन क्या होता है? 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। ठीक है, 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। फेयरली क्लियर विजन 10 डिग्री से 12 डिग्री। मोस्ट एक्यूट विजन पूछेगा 3 डिग्री से 5 डिग्री। फेयरली क्लियर विजन पूछेगा 10 डिग्री से 12 डिग्री। पेरिफेरल विजन पूछेगा 120 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है, पेरिफेरल विजन पूछेगा 120 से 180 डिग्री, और यहाँ बना हुआ है तारा। ये आपका हो गया 3 से 5, ये आपका हो गया 10 से 12, ये आपका हो गया 120 से 180। तो जो 3 डिग्री से 5 डिग्री या 10 डिग्री तक है, ये आपका एक्यूट विजन कोण है। बाकी जो आपका ये फेयरली विजन कोन है वो 10 डिग्री से 12 डिग्री तक है, और जो आपका पेरिफेरल विजन है वो आपका 120 डिग्री से 180 डिग्री है। ठीक है, देख रहे हो? चलो, तो ये डाटा वाले क्वेश्चन है, इसको रटना है, लेकिन वही है, एक बार सामने देखे रहोगे तो माइंड में रहेगा आपके। ठीक है, एक बार देखे रहोगे तो माइंड में रहेगा आपके। ये हो गया 3 डिग्री, मिनिमम 10 डिग्री के केस में कौन सा करते हैं? 10 डिग्री के केस में फेयरली विजन। ठीक है, 10 से 12 डिग्री, 120 डिग्री से 180 डिग्री तक, कौन सा? पेरिफेरल। आगे चलो, डिविजनल आइलैंड इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, डिविजनल आइलैंड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं? बताओ आंसर इसका तुरंत। डिविजनल आइलैंड हम क्या रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं? किस तरीके का कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन, नोज टू टेल कोलिजन, टेल टू टेल कोलिजन, साइड स्वेप। तो डिविजनल आइलैंड हम प्रोवाइड करते हैं, खुद बताएंगे आप इसके आंसर, किस लिए प्रोवाइड करते हैं? डिविजनल आइलैंड हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, आप खुद बताएंगे। ये देखो, हो गया आपका डिविजनल आइलैंड, ये आपका हो गया डिविजनल आइलैंड। द पर्पस ऑफ डिविजनल आइलैंड इज टू सेग्रीगेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन मल्टी लेन हाईवे। ठीक है, मल्टी लेन हाईवे पे जो ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है उसको सेग्रीगेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम डिविजनल आइलैंड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इट इज अ रेज्ड मीडियन और आइलैंड दैट इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द मल्टी लेन हाईवे टू सेपरेट द अपोजिंग लेन ऑफ ट्रैफिक एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, सेंटर पे इंप्लीमेंट किया जाता है इसे,
रेज्ड सरफेस होता है, दिख रहा है ये? ठीक है, दिख रहा है ये? किस लिए किया जाता है? ट्रैफिक को सेग्रीगेट करने के लिए किया जाता है, हेड ऑन कोलिजन से बचने के लिए किया जाता है। ये समझ में आ रही है? और देखो, और की पॉइंट देखो, मल्टी लेन हाईवे के लिए यूज करते हैं, जहां पे हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रहता है, ठीक है, वेयर द रिस्क ऑफ द कोलिजन इज ग्रेटर, देयर कैन बी ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड ए सेफ रिफ्यूज फॉर द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड और टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ द व्हीकल सच एज बसेज एंड ट्रक। ठीक है, तो ये जो पैसेंजर होते हैं, पेडेस्ट्रियन होते हैं, उनको सेफ जगह भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंक्रीट और अदर मटेरियल का बना होता है, ड्यूरेबल मटेरियल का बना होता है, एंड सम टाइम ऑफन डेकोरेटेड विथ पेंट्स और अदर लैंडस्केपिंग एलिमेंट टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द रोडवे। और इस पे पेंट लगाया जाता है या कुछ थोड़ा चमकदार पेंट वगैरह लगा के इसको पॉलिश करते हैं, जिससे कि इसका अपीयरेंस काफी अच्छा दिखे लोगों में या ट्रैफिक साइंस में। ठीक है, तो डिविजनल आइलैंड का क्या यूज हो गया? ट्रैफिक को सेग्रीगेट करने के लिए यूज करते हैं, ट्रैफिक को सेग्रीगेट यूज करने के लिए यूज करते हैं, हेड ऑन कोलिजन अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको पेंट किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ताकि इसका अपीयरेंस अच्छा हो। ठीक है, कंक्रीट या किसी और ड्यूरेबल मटेरियल से बनता है, इजेंट इट? चलिए, और मल्टी लेन हाईवे के लिए, मल्टी लेन हाईवे में ये यूज होता है। ठीक है, मल्टी लेन हाईवे में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो डिविजनल आइलैंड किस लिए यूज हो गया? डिविजनल आइलैंड आपका हो गया हेड ऑन कोलिजन की वजह से, हेड ऑन कोलिजन को, हेड ऑन कोलिजन के लिए यूज कर लिए थे। ठीक है, आगे देखो, द रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल आर फोर्स टू मूव राउंड ए लार्ज सेंट्रल आइलैंड इन वन डायरेक्शन बिफोर दे कैन वीव आउट द ट्रैफिक फ्लो इन टू देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल आइलैंड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको बताओ? मतलब कि जो सेंट्रल आइलैंड है वहां पे एक तरफ से एंटर करते हैं, और अगर मुझे दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो मुझे सेंट्रल आइलैंड को पूरा घूम के दूसरे डायरेक्शन पे निकलना पड़ेगा। तो इसको इसको क्या बोल देते हैं, कौन सा इंटरसेक्शन कहलाएगा ये? ये कहलाएगा रोटरी इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन। दिखा देता हूं आपको रोटरी इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका रोटरी इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर मुझे निकलना है यहां से, आया यहां से पूरा घूम के यहां निकल गया। ठीक है, बिल्कुल, रोटरी इंटरसेक्शन इज द राइट आंसर। Which of the following is not a correct statement with respect to the basic requirement of the intersection at grade? गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन एट ग्रेड, जहां सेंट्रल आइलैंड आ जाए वहां मैं रोटरी लगा देता हूं। हाँ बिल्कुल सही है, चलो तो पहला ऑप्शन क्या है? गुड लाइटिंग एट द नाइट इज डिजायरेबल, ठीक है, सही बात है। एट द इंटरसेक्शन द एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट शुड बी बिग एज पॉसिबल, नहीं, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होना चाहिए, तो दूसरा ही पकड़ में आ गया, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होना चाहिए, दूसरा ही पकड़ में आ गया, दूसरा गलत है, बाकी सही होगा। सडन चेंज ऑफ द पाथ शुड बी अवॉइडेड, सही बात है। जियोमेट्रिक फीचर्स शुड एडिक्वेटली प्रोवाइडेड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एट द इंटरसेक्शन द एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एज बिग एज पॉसिबल, ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा, सही स्टेटमेंट आपका होगा, एज इंटरसेक्शन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? वॉट डज अ येल्लो साइन विथ ए स्कल एंड क्रॉस बोन, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको कोई येल्लो साइन दिखाई देता है जिसपे हड्डी की खोपड़ी बनी रहती है, ठीक है,
येलो साइन विथ स्कल एंड क्रॉस बोन, और क्या बना रहता है, क्रॉस बोन, ये आपका स्कल हो गया, ये क्रॉस बोन हो गया, इंडिकेट, तो वो क्या शो करता है, तो वो क्या शो करता है, बताओ आंसर दो इसका, देयर इज अ रिस्क फ्रॉम मोटरसाइकिलिस्ट, देयर इज अ रिस्क फ्रॉम पायरेट्स, देयर इज अ रिस्क फ्रॉम एनिमल्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिक हजार्ड, क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके का, अगर ये साइन है जहां पे हड्डी की खोपड़ी और क्रॉस बोन बना हुआ है, ठीक है, ये देखो सिमिलरली, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आगे कोई पॉइजनस हजार्ड आपका स्पेस है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, देखो ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, हजार्डस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, विथ पिक्टोग्राम कैन कॉज ए डेथ और पॉइजनिंग, जहां पे क्या हो गई कि डिफरेंट टाइप की गैस जो है वो इमिट हो रही होगी, हाँ बिल्कुल, जहरीली खतरे का बनता है, हाँ जहां से जहरीली गैस निकल रही होंगी, ठीक है, जहां से हजार्डस पॉइजनस वेस्ट निकल रहे होंगे वहां पे इस तरीके का साइन बना रहता है, और हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए पहले, ठीक है, क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा देयर इज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिक हजार्ड, ये जो कुछ साइन कन्वेंशन है एक एक बार आप अगर इसका फिगर देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट, इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लक्स मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, हार्मोनिक एनालाइजर, डिजिटल मल्टीमीटर, तो क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट की बात आ गई तो तुरंत तुम मारोगे ऑप्शन लक्स मीटर, ठीक है, रुको फोटो दिखा देता हूं उसकी भी, क्या मेजर करता है ये, क्या मेजर करता है, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, लाइटिंग प्रोफेशनल यूज एज ए लाइट मीटर, ऑल्सो कॉल्ड एज इल्यूमिनेंस मीटर और लक्स मीटर, ठीक है, इस लक्स मीटर को और क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेंस मीटर, टू मेजर द अमाउंट ऑफ द लाइट इन स्पेस, स्पेस में कितनी लाइट मौजूद है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क सरफेस पे, द लाइट मीटर हैज अ सेंसर दैट मेजर द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड प्रोवाइड्स द यूजर विद अ मेजरेबल इल्यूमिनेंस रीडिंग, ठीक है, इसमें सेंसर लगा होता है, लाइट इस पे पड़ती है और ये अंदर उसे मेजर करके हमें बता देता है कि इल्यूमिनेंस कितना है, ठीक है, इल्यूमिनेंस ऑफ लाइट कितनी है, क्लियर है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, तीसरी यूनिट पूरी प्रॉपर खत्म हो चुकी है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो अभी तक हम लोगों ने तीन यूनिट को कवर कर लिया है हाईवे इंजीनियरिंग के, एक आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, सेकंड आपका हो गया ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, एंड थर्ड वन इज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अब हमारे पास दो यूनिट और बची है, एक आपका पेवमेंट डिजाइन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कि पेवमेंट किन किन तरीकों से डिजाइन किया जाता है, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट होते हैं, कितने टाइप के पेवमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, और किन किन तरीकों से इनको डिजाइन किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, फिर लास्ट यूनिट आपकी आ जाती है हाईवे मटेरियल को भी देखा जाएगा, जिसमें बिटुमेन एस्फाल्ट, ठीक है, बिटुमेनस कंक्रीट वगैरह के बारे में पढ़ा जाएगा, तो अभी तक ट्रैफिक इंजीनियरिंग से काफी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं आपके साथ, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि दो चार क्वेश्चन को छोड़ के आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिला होगा, तो जितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताए गए हैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए गए हैं, सारे चीज माइंड में मेमोराइज रखना, और जितने डाटा वाले क्वेश्चन हैं
वो आपके माइंड में स्टोर रहने चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कितने दिन में खत्म हो जाएगा विनोद? देखो अभी ट्रैफिक हुआ है, पेमेंट डिजाइन आपका कम से कम 1 वीक लगेगा, दोनों खत्म होने में कम से कम 1 वीक लगेगा, ठीक है, 1 वीक लग जाएगा, 1 वीक लग जाएगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जहां है पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।